नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफिडेविट के बारे में, जिसे हिंदी में हलफनामा के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इंडिया में हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी काम से एफिडेविट बनवाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आपसे एक एफिडेविट क्यों मांगा जाता है इंडिया में एक डिपार्टमेंट द्वारा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये कवर करेंगे कि इंडिया में आखिर इस एफिडेविट को क्यों बनवाया जाता है और ये एफिडेविट आखिर होता क्या है, और अगर कोई भी व्यक्ति एक झूठा एफिडेविट देता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो उस व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एक एफिडेविट, जिसे हिंदी में हलफनामा के नाम से भी जाना जाता है, ये होता क्या है, यानी कि एक एफिडेविट किसे कहते हैं। यदि कोई भी आदमी किसी काम को करने के लिए या उसको ना करने के लिए अपनी खुद की मर्जी से लिखित रूप में घोषणा करता है तो उसको शपथ पत्र एफिडेविट या हलफनामा कहते हैं। लेकिन ये घोषणा किसी ऐसे आदमी के सामने की जाती है जो कानून के अंतर्गत हो, जैसे ओथ कमिश्नर या नोटरी। सबसे पहले जो भी व्यक्ति एक एफिडेविट बनवाने जाता है तो उसे एक नोटरी के पास जाना होता है और उसको अपना बयान देना होता है, और फिर नोटरी आपका पूरा बयान एक शपथ पत्र के अंदर लिखेगा और वह बिल्कुल सच होगा, और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर साइन करने होते हैं, और फिर उसके बाद नोटरी आपके शपथ पत्र को अटेस्ट करेगा, और फिर उसके बाद आपका शपथ पत्र मान्य होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एक एफिडेविट कितने प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले एफिडेविट ये बात करता है, जो एफिडेविट आपको एक सरकारी ऑफिस में देना है या फिर आपको एक गैर ऑफिस में देना होता है, जिसके अंदर आप एक शपथ लिखकर देते हैं। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में देने वाले एफिडेविट शादी, जन्म, राशन कार्ड आदि बनवाने से संबंधित होते हैं। यानी कि जब भी आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं या फिर अपने नाम का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो अक्सर आपको डिपार्टमेंट द्वारा ये बोला जाता है कि आपको एक एफिडेविट बनवाकर लेके आना है, तो इसी चीज़ के अंदर आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। और कोर्ट में लगने वाले एफिडेविट दो तरह का होता है। इसमें कोर्ट के नियमों के अनुसार शपथकर्ता को अपने बोलने वाली बातें लिख करके देनी होती हैं। पहला एफिडेविट कोर्ट में गवाही के रूप में दिया जाता है। ये ज़्यादातर चेक बाउंसिंग के केस में या फिर सिविल केस के रूप में एक व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। और इसमें दूसरा एफिडेविट वो होता है जो कि एक पर्सन एक कोर्ट केस के अंदर गवाही के रूप में देता है, जिसके अंदर उस पर्सन के द्वारा जो भी उसने गवाही देनी है किसी भी केस के अंदर, वो सारी गवाहियाँ उस एफिडेविट के अंदर लिखी होती हैं, और जिसे इंग्लिश में एक एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है एक एफिडेविट के अंदर, उसे पूरी तरह से सही माना जाता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी पर्सन कोर्ट के अंदर एक झूठा एफिडेविट फाइल कर दे, जिसके अंदर उस व्यक्ति ने एक झूठी इंफॉर्मेशन लिखी हो, या फिर किसी भी पर्सन ने किसी भी सेकंड पर्सन के नाम पर एक एफिडेविट बनवाया, उसके ऊपर एक झूठे दस्तावेज किए, या फिर उसके नाम पर एक झूठी इंफॉर्मेशन लिख दी, तो फिर ऐसा करने वाले पर्सन के ऊपर आईपीसी की धारा 419 के तहत मुकदमा फाइल हो सकता है, जिसके अंदर उस पर्सन को कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। तो ऐसे में जब भी आप एक एफिडेविट बनवाने जाते हैं तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस एफिडेविट के अंदर डल रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उस एफिडेविट के अंदर कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, कोई भी एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए, जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि एक एफिडेविट एक पर्सन को कब लगाना होता है और एक एफिडेविट क्यों बनवाया जाता है। तो चलिए, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर ऐसी ही लीगल नॉलेज जाननी है तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।